नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं नोशन हब। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा Vivo Y53s के मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। और दोस्तों, मैं इस फोन का बेस्ट फीचर्स वीडियो भी बना रहा हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स दिखाए हैं जो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं तो एटलीस्ट डिसलाइक तो भी कीजिएगा, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे नेविगेशन जेस्चर्स। पहले हमें सारे एंड्रॉइड फोन्स में 3-बटन नेविगेशन बार देखने को मिलता था, अभी भी हमें वही 3-बटन नेविगेशन बार बाय डिफॉल्ट मिलेगा, मगर ये नेविगेशन बार उतना इंट्यूटिव नहीं है, तो इसीलिए आपको नेविगेशन जेस्चर्स डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा। ये नेविगेशन जेस्चर्स इनेबल करने के बाद अगर आपको होम स्क्रीन को जाना है, आप नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे तो आप होम स्क्रीन पहुंच जाओगे। अगर आपको रीसेंट ऐप्स ओपन करना है तो नीचे से स्वाइप करके होल्ड करिए, तब रीसेंट ऐप्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से स्वाइप करिए और एक स्टेप बैक चले जाओगे। एंड फाइनली, अगर आपको गूगल असिस्टेंट ट्रिगर करना है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर से, आप डायगनली ऊपर स्वाइप करिए और गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा तो फिर से नेविगेशन जेस्चर सेटिंग्स में जाइए और देखिए कि ये टॉगल इनेबल है या नहीं। फाइनली, अगर आप नीचे से लेफ्ट या राइट स्वाइप करोगे तो आप करंट एप्लीकेशन और प्रीवियस एप्लीकेशन को इजीली स्विच भी कर सकते हैं। ये फीचर बिल्कुल आईफोन की तरह ही है। नेक्स्ट, मैं आपको दिखाऊंगा स्प्लिट स्क्रीन मोड। इस स्प्लिट स्क्रीन मोड की मदद से हम इस फोन पे एक ही समय पे दो एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। आप स्प्लिट स्क्रीन मोड को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है रीसेंट ऐप से। पहले रीसेंट ऐप्स पे जाइए और एप्लीकेशन के आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ऑप्शंस मिलेगा, उसमें से स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और वो एप्लीकेशन टॉप विंडो में ओपन हो जाएगा। आप दूसरे एप्लीकेशन इस लिस्ट से चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप होम स्क्रीन को भी जा सकते हैं और वहां से भी सेकेंडरी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशंस को आप रिसाइज भी कर सकते हैं और चाहिए तो किसी भी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है थ्री फिंगर जेस्चर्स। ये फीचर भी बाय डिफॉल्ट इनेबल ही है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ओपन करिए और थ्री फिंगर्स को लेके ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए। अब स्प्लिट स्क्रीन मोड इनेबल हो गया है और आप सेकेंडरी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप इस फोन में स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम बटन्स यूज करेंगे। किसी भी एंड्रॉइड फोन में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों बटन्स को एक ही बार दबाइए और आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट्स। ये फीचर भी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही है, तो आपको क्या करना है, थ्री फिंगर्स को लेके नीचे की तरफ स्वाइप कीजिए, तब आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। अगर आप चाहो तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे एक प्रीव्यू मिलेगा, वो प्रीव्यू के नीचे ही एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स फॉर एप्लीकेशंस। तो क्या होता है, इस मोड में एप्लीकेशंस डायरेक्टली बैकग्राउंड में किल हो जाते हैं, तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस को किल नहीं करना चाहते, बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, तो आपको बैटरी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे बैटरी पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट को जाना है। एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से बैटरी प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन किल ना हो, बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रन हो रहा हो, तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें इस फोन में डार्क मोड भी मिलेगा और डार्क मोड को इनेबल करने के बाद सिस्टम एप्लीकेशंस हो या गूगल के एप्लीकेशंस हो, यूट्यूब, जीमेल, सारे एप्लीकेशंस का थीम डार्क मोड में चेंज हो जाएगा। डार्क मोड इनेबल करने से बैटरी बचेगा और रात में आपके आंखों में स्ट्रेस भी कम होगा, और मुझे भी फोन डार्क मोड में बहुत कूल लगता है। नेक्स्ट, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप डिफॉल्ट एप्लीकेशंस चेंज कर सकते हो। तो पहले आपको सेटिंग्स को जाना है और यहाँ आके आप डिफॉल्ट एप्लीकेशंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आपका डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर, डिफॉल्ट एसएमएस एप्लीकेशन और बहुत कुछ। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैश नोटिफिकेशन। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपका फ्लैश लाइट एक नोटिफिकेशन एलईडी लाइट की तरह काम करेगा। अगर आपको कोई व्हाट्सएप या फेसबुक नोटिफिकेशन आएगा या तो फिर कोई भी आपको कॉल करेगा, तो आपका फ्लैश लाइट ब्लिंक करके एक विजुअल नोटिफिकेशन देगा। नेक्स्ट, अगर आप बैटरी परसेंटेज स्टेटस बार पे दिखाना चाहते हैं या उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब आप यहां से कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लॉक स्क्रीन पोस्टर या लॉक स्क्रीन कैरसोल को डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स को जाना पड़ेगा, उसके बाद लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, और यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पोस्टर या लॉक स्क्रीन कैरसोल फीचर को कम्प्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो लॉक स्क्रीन फीचर को भी एडिट कर सकते हैं ताकि सिर्फ आपको एनिमल्स या प्लांट्स का वॉलपेपर दिखे।
तो दोस्तों ये रहे इस फोन के इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैं किसी चीज को भूल गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।